सोलन शहर में दशहरे का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। लोगों का भारी हजूम दोपहर बाद ऐतिहासिक ठोडो मैदान में जुटने लगा था। लोग यहां की विख्यात कुश्ती प्रतियोगिता का आनंद ले रहे थे। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के 45 फुट ऊंचे पुतले स्थापित किए गए थे। शाम ढलते ही राम अपनी सेना के साथ रावण पर आक्रमण करते हुए मैदान में नजर आए। बुराई के प्रतीक पुतले को खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने तीर मार्क दहन कर बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश शहरवासियों को दिया। इस मौके पर वगाट बैंक के चेयरमैन पवन गुप्ता, व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता भी विशेष रूप से मौजूद रहे। रावण दहन के समय सोलन के विधायक धनीराम शांडिल ने सभी जिलावासियों को दशहरे की बधाई दी और सभी को अपने भीतर की बुराई को खत्म करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई का सूचक है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि प्रण लेना चाहिए कि हम अपने बुरे विचारों को त्यागें और अच्छे विचारों को अपने जीवन में अपनाएंगे। अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो देश प्रदेश में सद्भाव की भावना जागृत होगी। आज इस छोटे ग्राउंड में जो हमेशा पारंपरिक मेला दशहरे का उत्सव रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को जलाने का आरंभ हो चुका है, ये एक ऐसा पर्व है और हमारी सदियों से चली आ रही परंपरा, इसमें असत्य पर सत्य की विजय और बुराई पर अच्छाई की विजय का ये पर्व मनाया जा रहा है। सोलन की जनता को, अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी और पूरे प्रदेश और देश के वासियों को यहाँ से यह संदेश भेजना चाहता हूँ कि हम हमेशा अपने जितने भी नेगेटिव एनर्जी हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको दूर करें और अपने अंदर सच्चाई को भरते हुए हमेशा बुराई का अंत करने का प्रण लें। आज के शुभ दिन पर जो हमारा सदियों से चला आ रहा पर्व सोलन मशहूर छोटो ग्राउंड में मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के, मैं एक बार फिर यहाँ के सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ